फिर जाने दीजिए। मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए राम आएंगे, राम रूप सज्जा के माल्यार्पण के पश्चात पूज्य संतों का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य बावन पीठाधीश्वर पूज्य वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज आए और हम सभी का मार्गदर्शन कर आशीर्वाद देने की कृपा करें। अयोध्या आज किस तरह से राम जी के स्वागत में सजी है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या पधारे थे वो दृश्य आज शिशु मंदिर विद्या मंदिर ऐसे जो विद्या भारती के विद्यालय हैं उनके द्वारा हमने राम रूप सज्जा ऐसे 211 स्वरूप इन नन्हे मुन्ने बाल रूप में भगवान के बनाए हैं जो एक समरसता और मानवता का संदेश पूरे विश्व को देंगे, इसलिए हमने राम रूप सज्जा ये कार्यक्रम रखा है। राम आएंगे इसकी थीम है। इसमें 5 वर्ष से लेकर के और ऐसे 14 वर्ष के भैया बहनों को राम रूप सज्जा के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि अयोध्या की धरती संदेश देने वाली धरती है, अयोध्या की धरती से ये संदेश जाए कि हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं, भगवान राम के आदर्शों पर चल सकने वाले ऐसे विद्या भारती जो भैया बहनों को तैयार कर रही है, राम हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम जीसस क्राइस्ट को अपना आदर्श ना माने, राम को आदर्श माने और ये प्रेरणा देने का काम विद्या भारती के इन विद्यालयों के द्वारा अयोध्या से हम प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। प्रभु राम के स्वरूप में इन विद्यालयों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को सजा करके आज यहाँ प्रस्तुत किया है, बहुत लुभावना दृश्य है। निश्चित रूप से ये बालक राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को राष्ट्रानुकूल तैयार कर सकें, ये हमारी शुभकामना है। ये विद्यालयों का जो प्रयत्न है, अभिभावकों को द्वारा दिया गया विद्यालयों को सहयोग है, निश्चित रूप से वंदनीय है। राम आएंगे, राम रूप सज्जा के माल्यार्पण के पश्चात पूज्य संतों का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य बावन पीठाधीश्वर पूज्य वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज आए और हम सभी का मार्गदर्शन कर आशीर्वाद देने की कृपा करें। महोदय हो गए जिनके अखे आ गए और है, कृपया अपना स्थान इधर ले लें। हमारे कार्यक्रम प्रारंभ होने में शेष 5 मिनट और है, तब तक के लिए आप सबके लिए एक सुंदर सा भजन हमारे शिवदयाल विद्या मंदिर के भैया बहनों के द्वारा। अब तो